सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 15 विलोम शब्द पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले आपने पर्यायवाची शब्द पढ़े। पर्यायवाची शब्द क्या थे? समान अर्थ बतलाने वाले, और विलोम शब्द इसके विपरीत यानी उल्टा अर्थ बतलाने वाले शब्द होते हैं। जैसे इस बार परीक्षाएं दोनों तरह से होंगी, मौखिक भी और लिखित भी। तो मौखिक का विलोम क्या हो गया? लिखित। ऐसे ही सच्चे झूठे का पता नहीं चला, तो सच्चे का विलोम शब्द क्या हो गया? झूठा। मोहन तो दिन रात पढ़ाई करता है, दिन का विलोम क्या हो गया? रात। इस तरह कुछ आपको इसमें विलोम शब्द बताए गए हैं। ये आप फर्स्ट टर्म में भी पढ़ चुके हो, लेकिन उस समय हमने आधे पढ़े थे। बाकी के जो बचे हुए हैं वो हम इस सेकंड टर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप देखिए, चित्रों के नीचे दिए हुए शब्द पढ़िए। ठंडा, गर्म, दिन, रात, ऊपर, नीचे। शब्दों की इन जोड़ियों को ध्यान से पढ़ने पर मालूम होता है कि प्रत्येक जोड़ी के शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बतला रहे हैं। ऐसे शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। एक दूसरे से उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। फर्स्ट टर्म में आप अंधकार से लेकर सफलता तक के विलोम शब्द पढ़ चुके हैं। सेकंड टर्म में हम समाप्त से लेकर शुरू करेंगे छोटा तक। समाप्त का विलोम आरंभ, सरल कठिन, साधारण असाधारण, इच्छा अनिच्छा, सुविधा असुविधा, सज्जन दुर्जन, चतुर मूर्ख, जन्म मृत्यु, बनाना बिगाड़ना, दाया बाया, लाभदायक हानिकारक, मालिक मजदूर, पालतू जंगली, सुगंध दुर्गंध, मौखिक लिखित, उपयोगी अनुपयोगी, प्रशंसा निंदा, बीमार स्वस्थ, देशी विदेशी, प्राचीन नवीन, सच्चा झूठा, गंदगी सफाई, कीमती सस्ती, सम्मान अपमान, संभव असंभव, धनी निर्धन, छोटा बड़ा। ये आपने विलोम शब्द पढ़े। अब इसकी एक्सरसाइज देखिए बच्चों। एक्सरसाइज तो आपको इस टर्म में भी पूरी ही पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, टेस्ट में भी आ सकते हैं। फर्स्ट नंबर पर है, बाईं ओर लिखे शब्दों को पढ़िए, दाईं ओर लिखे शब्दों में से सही विलोम शब्द पर सही का निशान लगाइए। अब आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं और कुछ चार ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें जो सही विलोम शब्द है उस पर आपको टिक लगाना है। अब नंबर वन पर है सच, सच का विलोम होगा झूठ। विजय, विजय का विलोम है पराजय। पराजय का मतलब क्या होता है? हार। प्रसन्न का विलोम अप्रसन्न। सरल कठिन, आदर अनादर, उपयोगी अनुपयोगी, निडर डरपोक, उदय अस्त, उतार चढ़ाव, सम्मान अपमान, कीमती सस्ती। क्वेश्चन नंबर टू है, निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। अब आपको इसमें विलोम शब्द लिखने हैं। सुंदर कुरूप, असली नकली, प्रशंसा निंदा, देशी विदेशी, जन्म मरण, सुख दुख, मौखिक लिखित, गंदगी सफाई, उपस्थित अनुपस्थित, मालिक नौकर, खुशबू बदबू, सुगंध दुर्गंध, प्राचीन नवीन, समाप्त आरंभ।
खोना पाना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वाक्यों में रंगीन शब्दों के विलोम शब्दों को रेखांकित कीजिए। अब आपको एक वाक्य दिया है, उसमें वो शब्द भी है उसका विलोम भी है, तो आपको उस शब्द का विलोम पर अंडरलाइन करनी है। जैसे राजा का दिल कठोर था, रानी का कोमल, तो कौन सा शब्द हुआ? कोमल। अध्यापिका के प्रश्न का उत्तर कोई भी न दे पाया, प्रश्न का विलोम हो गया उत्तर। नए व्यापार में लाभ के बजाय हानि उठानी पड़ी, लाभ का विलोम हानि। कुछ बच्चे इच्छा से काम कर रहे थे तो कुछ अनिच्छा से, इच्छा का विलोम अनिच्छा। दीपावली का त्यौहार अंधकार पर प्रकाश की और बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार है। अब अंधकार का विलोम हो गया प्रकाश और बुराई का विलोम हो गया अच्छाई। अच्छे व्यवहार से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, शत्रु का विलोम है मित्र। हमने सदा उसे अपना समझकर प्यार दिया और कभी भी पराया होने का एहसास नहीं होने दिया, अपना का विलोम शब्द हो गया पराया। गाय पालतू पशु है, शेर जंगली पशु है, पालतू का विलोम है जंगली। मैंने इस पुस्तक को आदि से अंत तक पढ़ा, आदि का मतलब होता है शुरू, तो उसका अपोजिट हो गया विलोम हो गया अंत। मनीष में कुछ गुण है तो कुछ अवगुण भी है, अवगुण यानी बुराई। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्रश्न 4, नीचे दिए कोष्टक में दिए शब्दों के विलोम शब्दों से खालिस्तान भरी। अब आपको कुछ वाक्य दिए हैं, उसमें खालिस्तान है और ब्रैकेट में पीछे कुछ शब्द दिए हुए हैं। अब आपको उस ब्रैकेट वाले शब्द का विलोम इसमें लिखना है। कोयल की बोली कड़वी का विलोम क्या होगा? मधुर होती है। 15 अगस्त 1947 से पहले हम स्वतंत्र का विलोम क्या होगा? परतंत्र थे। की रक्षा करनी चाहिए, ताकतवर का अपोजिट विलोम क्या होगा? कमजोर, कमजोर की रक्षा करनी चाहिए। भारत की किसी से मित्रता का विलोम क्या होगा? शत्रुता नहीं है। विनोद बहुत आलसी का विलोम क्या हो गया? फुर्तीला। तेनालीराम मूर्ख, मूर्ख का विलोम क्या होगा? चतुर। तेनालीराम चतुर दरबारी था। नेक्स्ट देखिए, समाप्त, समाप्त का विलोम क्या होगा? आरंभ। यहाँ से दिल्ली की सीमा आरंभ होती है। नेक्स्ट लास्ट है सुना, सुना का विलोम क्या होगा? अनसुना। नीरज ने अध्यापिका की बातों को अनसुना कर दिया। तो बच्चों यहाँ पर आपका विलोम शब्द पाठ खत्म हुआ। जो मैं आपको विलोम शब्द लिखने के लिए कॉपी में दूंगी वो आप कॉपी में करके मुझे सेंड कर देंगे। थैंक यू।